दोस्तों, अगर आपके पास सीएससी सेंटर है और आप अपने सीएससी सेंटर से अच्छी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, आपकी दुकान पर पैसा नहीं आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सीएससी की एक बेहतरीन सर्विस के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप आसानी से 1 से 2 हज़ार रुपये प्रतिदिन की कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सबसे बढ़िया सर्विस है सीएससी की, जिसको सभी वीएलई अपने सीएससी आईडी पर एक्टिवेट कराना चाहते हैं, और यह आईडी आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों, आप इस आईडी को कैसे लेंगे, कहां से आईडी मिलती है, और इसे लॉगिन करके भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि इसके अंदर कहां से काम होता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे हैं सीएससी ई स्टाम्प सर्विस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ई स्टाम्प लॉगिन का डैशबोर्ड है, और इसका यूजर आईडी और पासवर्ड लेके आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ई स्टाम्प बनाने की फैसिलिटी दी जाती है। आपको पता होगा कि ई स्टाम्प बनाने पर आप कितनी कमाई कर सकते हैं, और ई स्टाम्प की डिमांड हर जगह तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए आप जो है आसानी से आईडी पासवर्ड लेकर आसानी से 1 से 2 हज़ार रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं, अगर आप अपनी दुकान किसी तहसील या किसी कचहरी के आसपास में डाल देते हैं, तो वहां पर आपको अच्छी आमदनी होती है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम दिखाते हैं इसका डैशबोर्ड कि लॉगिन करने के बाद क्या क्या सर्विसें देखने को मिलती हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये आईडी आपको लेनी कैसे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, और फिर यहाँ पर हम कैप्चा कोड भर के लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं और आगे आपको इसकी सर्विसें दिखाते हैं। तो लॉगिन करने के बाद देखेंगे इस प्रकार से आ जाएगा इसका डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे आप देख पाएंगे इस प्रकार से आपको ये सारी सर्विसें देखने को मिलती हैं। यहाँ से देखिए, अगर सबसे पहले आप कोई स्टाम्प बनाना चाहते हैं, तो देखिए आप क्रिएट सबमिशन में जाएंगे और यहाँ पर ई स्टाम्प क्रिएट करने का जो है फैसिलिटी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ढेर सारे जो है स्टाम्प अलग अलग तरीके, जैसे एफिडेविट हुआ या कोई आपको रजिस्ट्री करनी है उसके लिए स्टाम्प चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर मिल जाती हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर एफिडेविट ही बनवाते हैं, तो वो फैसिलिटी मिल जाती है। उसके अलावा और भी कई प्रकार के जो स्टाम्प होते हैं, क्योंकि यहाँ से सभी अलग अलग तरीके के स्टाम्प प्रिंट होते हैं, तो यहाँ पर वो सारी जानकारी यहाँ पर होती है। इसकी जो ट्रेनिंग है वो भी आपको जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा दे दी जाएगी। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड जो स्टाम्प होते हैं वो भी निकाल पाएंगे, और नॉन रजिस्टर्ड जो स्टाम्प होते हैं वो भी आप निकाल पाएंगे। फ्रेंड, जो रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प आते हैं वो रजिस्टरेबल होते हैं, और जो नॉन रजिस्ट्री ऐसे काम के लिए होते हैं वो नॉन रजिस्टरेबल स्टाम्प होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लॉगिन करके यहाँ पर ये सारे स्टाम्प प्रिंट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसे लेना कैसे है। तो फ्रेंड्स, आपने इसका डैशबोर्ड तो देख लिया और इसकी सर्विसें भी देख ली, अब बात करते हैं कि आपको ये आईडी मिलेगी कैसे। तो दोस्तों, अगर आप भी इसका यूजर आईडी और पासवर्ड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना होगा। अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कैसे संपर्क करेंगे, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको आना है इस वेबसाइट पर, जिसका नाम है csc bankmitra.in। जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कॉन्टेक्ट अस, इस पर आप जाएंगे, और यहाँ पर देखिए लिखा है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए अपना स्टेट चुनेंगे, जो भी आपका स्टेट है, यहाँ पर स्टेट चुन लेते हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है और यहाँ पर ईमेल आईडी भी है। अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉन्टेक्ट करना है, और आपको उन्हें बताना है कि आप ई स्टाम्प की आईडी लेना चाहते हैं, आप ई स्टाम्प प्रिंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब आप उन्हें बताएंगे तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, और आपको फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांग करी जाएगी। और जब आप ये डॉक्यूमेंट उन्हें देते हैं, तो वह आपकी आईडी क्रिएट करवा देंगे। और फ्रेंड, जब आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो आप आईडी पासवर्ड लेके यहाँ पर लॉगिन करके आसानी से जो है यहाँ पर ई स्टाम्प का काम कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जब आप ई स्टाम्प प्रिंट करते हैं, तो आपको ई स्टाम्प प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर भी लेना होता है, तो उसके लिए भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट कर लें, तो वो आपको बता देंगे कि आपको प्रिंटर कहाँ से खरीदना है। तो दोस्तों, ये आपको प्रिंटर भी दिलवा देंगे और आपको बता भी देंगे कि कैसे इससे प्रिंट भी होता है। फिलहाल फ्रेंड्स, आपने वीडियो में जाना कि कैसे आपका ये काम करता है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इससे ई स्टाम्प आईडी लेकर अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।